क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इंटरनेट क्या चीज है, ये पैदा कैसे होता है और कैसे बनता है, और इसका मालिक आखिर कौन है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आप इंटरनेट को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर्स या सिस्टम्स को आपस में जोड़कर रखता है। इसके अलावा आप इंटरनेट को कई अन्य कंप्यूटर्स का जाल भी कह सकते हैं जो राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ ही यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं और डेटा के लेन देन के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक इंटरनेट के पैदा होने की बात है तो साल 1969 में कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया गया था जिसे युद्ध के दौरान मैसेज भेजने के लिए अमेरिकी सेना विभाग ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम से डेवलप किया गया था। इसके साथ ही साल 1970 में रॉबर्ट ई केन और वेंट कैफ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को डेवलप किया था जो कि एप्रोनेट में डेटा और फाइल ट्रांसफर के लिए जरूरी स्टैंडर्ड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। इसलिए रॉबर्ट ई केन और वेंट कैफ को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इंटरनेट पूरी दुनिया में जाल की तरह बिछा हुआ है जिसकी मदद से हम दुनिया भर की सूचनाएं जान सकते हैं और ये सूचनाएं सर्वर के जरिए हम तक पहुंचती हैं। इसके साथ ही सर्वर 24/7 ऑन रहता है और वेब होस्टिंग कंपनियां सर्वर की सुविधा देती हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के सर्वर फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए जुड़े होते हैं और बालों से भी पतले इस केबल्स में काफी स्पीड में डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता मौजूद होती है। अब टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सुविधा देने लगी हैं और यही वजह है कि आज टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट के जरिए लोगों को स्मार्टफोन में इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा देने लगी है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है। तो आपको बता दें कि इंटरनेट किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, संस्था या सरकारी एजेंसी की संपत्ति नहीं है, बस सीधे तौर पर ये इसे कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही कुछ एजेंसी सलाह जारी करके इसके स्टैंडर्ड्स तय करके इसे ठीक ढंग से चलाने में मदद करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स और रिसर्च करने वाला समूह है। बहरहाल आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी9 भारतवर्ष।